सर धनीराम उनसे बात कर, स्वागत है आपका। सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर जी, मैंने पहले भी बात किया था सर, लेकिन वो दूसरे थे आप सर। मैं उस टाइम ट्रेन में था सर। जी जी। मैं सर आर्मी में हूँ सर। जी। तो मेरा सर वाइफ की प्रॉब्लम है सर, उनका सरदर्द रहता सर, सरदर्द रहता। सरदर्द की प्रॉब्लम है क्या? आपकी वाइफ की उम्र होगी, एज होगी? वो उम्र सर 36। 36। तो माइग्रेन की प्रॉब्लम है उन्हें? जी ऐसे लग रहा है क्योंकि सरदर्द होता है। पहले मैं इसका सिटी स्कैन कराया तो उसमें डॉक्टर साहब बोले कि इनका बचपन में गिरी थी वो, तो उसका सर में बोला नस का प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ज्यादा होता है, नस बहुत मोटी हो जाती है, फिर बड़ा मुश्किल ग्लूकोज चढ़ता है तब जाके वो ठीक होता है। तो बहुत पुरानी टाइम से ही चलता आ रहा है ये दर्द, बहुत पहले से? जी जी। 36 साल उम्र है। हाँ देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक ऐसा नुस्खा बता दूँ और ऐसी एक्सरसाइज बता दूँ कि आप पूरी तरह आपकी अहलिया ठीक हो जाए। नुस्खे के तौर पर आपको लेना है अखरोट। अखरोट लीजिए 1/4 किलो और इसबगोल की भूसी लीजिए 1/4 किलो। इन दोनों को पाउडर बना लें। एक तो पाउडर ही होता है, एक को आपको ग्राइंड करना होगा, और जब ये मिक्स हो जाए तो आप इसको उतना ही शहद जितना ये दोनों का वज़न है उसमें डाल दीजिए, और एक चम्मच रोज़ाना सुबह निहार मुँह यानी खाली पेट उन्हें खिलाया करें, तो आपकी मिसिस का ठीक होना मुमकिन है। और ऐसे मेरी तरह ऐसे सीधे बैठे उनको बता दीजिए एक्सरसाइज, ये वो देख रहे हैं अगर प्रोग्राम तो ऐसे बैठे हैं, और ये थोड़ी यहाँ से उंगली रखें, दोनों अंगूठा और उंगली पूरी तरह मोड़ दीजिए इसे, और यहाँ रोक के रखिए, यहाँ देखिए पूरी तरह जितना भी मोड़ सकता है ऐसे ऐसे, ये 2 मिनट करना है। अगर 1 मिनट में थक जाएं तो फिर थोड़ी देर बाद 1 मिनट कर लीजिए, लेकिन 2 मिनट एक दिन में घड़ी देखकर हो जाना चाहिए। और एक एक्सरसाइज ये कि कान ऐसे, ये कंधे से मिलाने की कोशिश करिए कान, और ख्याल रहे कि ये मोंडा नहीं उठाए। अक्सर लोग एक्सरसाइज करते हैं ऐसे मोंडा उठा के ऐसे मिलाने लगते हैं, मोंडा वहीं रहे आपका, और ऐसे करें ये 2 मिनट करें, तो अगर 2 माह तक ऐसा करते हैं तो आपकी मिसिस का ठीक होना मुमकिन है। नंबर्स पे लगातार आप कॉल कीजिए, टीवी स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं हमारे, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए। इसके अलावा हम आपको बता दें कि हकीम साहब का फेसबुक का भी एक पेज है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, हकीम सुलेमान के नाम से ही ये पेज है। यहाँ पर आप डेली वो नुस्खे जान सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपसे मिस हो गए हैं, वो वहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। इसके अलावा यूट्यूब का चैनल है हकीम सुलेमान के नाम से ही, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और आप तस्वीरों के जरिए सीधे वो नुस्खे देख सकते हैं, कौन सी चीज़ें क्या हैं, उनके नाम, उनकी शक्ल कैसी है, ये तमाम चीज़ें आप वीडियो के जरिए जान सकते हैं यूट्यूब पे जाकर। हकीम साहब, जो हमारी पहली कॉलर थी भावना, उन्होंने अपने बच्चे के बारे में बताया कि नशे में किस तरह से वो एकदम से आ गया, और जो संगत होती है वो सबसे बुरी चीज़ होती है, और उस संगत के नतीजे में वो नशे का आदी हो गया है। हम यूथ की जब बात करते हैं, आज की जनरेशन की बात करते हैं, तो नशे की तरफ ज़्यादा वो अग्रसर हो रही है, बढ़ रही है। क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे आप हमारे समाज के लोगों को? पिलाक की गिराना तो सबको आता है। एक मुझे शेर याद आ गया कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरते को थाम ले साकी। बहुत तो संगत वो अच्छी जो चाहे उसमें थोड़ी तकलीफ हो जाए लेकिन बच्चे की ज़िंदगी हिफाजत से गुजरे। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि उस बच्चे के दोस्तों के बारे में मालूमात नहीं करते, और उसकी सूरत या उसका लिबास देखकर या उसका ख़ानदान देखकर हम अपने बच्चे को उसके साथ रहने के लिए राज़ी हो जाते हैं। और हर बच्चा कुछ ना कुछ संकेत छोड़ता है अपने बिगड़ने से पहले, जैसे कोई बीमारी अपने होने से पहले कुछ इशारा देती है, तो ऐसे ही बच्चे में भी जो तब्दीली आती है उस पर नज़र रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो उसकी संगत है, और जो बुराई है उसकी वो अपनी तरफ खींचती है बच्चों को ख़ास तौर पर, और बच्चे बहुत मासूम होते हैं, और जब उन्हें ये अंदाज़ा होता है कि हमारा नुकसान हो रहा है, जब तक
वक्त निकल जाता है, क्योंकि एडिक्ट बच्चे फिर उसे छोड़ नहीं पाते, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो नशे की लत एक ऐसी लत है कि जो फिर ज़िंदगी भर तक साथ चलती है। वो उम्र जहाँ बच्चे बिगड़ते हैं वो शायद 3-4 साल होते हैं ऐसे, जो 13 साल से 14, 15, 16, यहाँ पर बच्चे के बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन पर एक सख्त नज़र रखना माँ बाप का ज़रूरी हो जाता है, और अगर अव्वल वक्त में पता चल जाए तो उनका ये नशा छूट भी सकता है। और बुराई में बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, बच्चे उसकी तरफ रागिब हो जाते हैं, ख़ासतौर पर उसको अगर रोका जाए तो फिर वो ज़िद्दी हो जाते हैं। नशा शुरू होता है सिगरेट से और शराब से, और फिर वो दूसरे बड़े नशे जो जिनका छोड़ना तकरीबन नामुमकिन है उस तक पहुंच जाते हैं। तो कुछ ज़िम्मेदारी बच्चों की भी है और कुछ ज़िम्मेदारी माँ बाप की भी है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें। यही तो ज़रूरी है कि इसलिए तो माँ बाप कहते हैं कि जब वो बिगड़ने के चांस हो तो उन पर गहरी नज़र रखना, यही पहरेदारी है, यही चौकीदारी है। तो कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, फिर भी अगर किसी का बच्चा नशे की लत में आ जाता है तो ऊपर वाले से दुआ खूब करें, और जितना कोशिश कर सकते हैं आप, माँ बाप आखिर कर देते हैं उनको बच्चे को सुधारने के लिए, उतनी कोशिश करिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर कोशिश की जाए तो कामयाब हो सकती है।